क्या आपको पता है कि समोसे को खाने से आप 51,000 रुपए कमा सकते हैं? क्या आपने कभी इस चॉकलेट को खाया है जो कीड़ों से बनाई जाती है? क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसने प्रेशर कुकर से ही शादी रचा ली है? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अय्याश राजा कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी आइसक्रीम है जो कभी भी पिघलती नहीं है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जानवर या उनसे निर्मित होने वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी होती है। ऐसे में साउथ अफ्रीका में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी जंगल में मौजूद हरी और काले रंग की कीड़ों का इस्तेमाल करके बिस्किट और चॉकलेट बनाने का काम शुरू कर रही है, जिन्हें खाने से लोगों की सेहत अच्छी होती है। इस कंपनी का दावा है कि यह कीड़े सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन लोग इन्हें भोजन के रूप में आसानी से खा नहीं पाते हैं। ऐसे में यह कंपनी उन कीड़ों का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट स्नैक्स तैयार करेगी, जिन्हें खाने में कोई परेशानी नहीं होगी और लोगों को कीड़े के शरीर में मौजूद पोषक तत्व भी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए कंपनी एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल करती है, जिसमें कीड़ों को डाल दिया जाता है और वह मशीन कीड़ों को पीस कर उन्हें आटे की शक्ल दे देती है। हैरानी की बात यह है कि साउथ अफ्रीका में स्थित इस स्टार्टअप कंपनी के काम के बारे में सभी लोग जानते हैं, हालांकि इसके बावजूद भी वह कीड़े से बनी बिस्किट और चॉकलेट खाने के लिए तैयार है। फैक्ट नंबर 2, हाथी को एक बहुत ही बुद्धिमान जानवर माना जाता है, जो एनिमल किंगडम में भारी भरकम शरीर के साथ इधर उधर घूमते हुए दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी पेंटिंग करने वाले हाथी के बारे में सुना है, जो अपनी सूंड की मदद से बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह अद्भुत हाथी थाईलैंड में रहता है, जिसे सूडा एलिफेंट पेंटर के नाम से जाना जाता है। इस हाथी के सामने कैनवस, ब्रश और कलर रख दिए जाते हैं, जिसके बाद यह हाथी अपनी सूंड में ब्रश लेकर कलर्स के साथ खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूडा द्वारा बनाई गई पेंटिंग 3 से 4 लाख रुपए की कीमत पर बिकती है, जिसे थाईलैंड के स्थानीय लोग खरीदना पसंद करते हैं। यह हाथी थाईलैंड के मशहूर पेंटर्स को टक्कर देता है, जो पेंटिंग बनाने के साथ रंग भरने और खूबसूरत डिजाइन तैयार करने की कला भी जानता है। फैक्ट नंबर 3, भारत में समोसा बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, जिसे सुबह के नाश्ते या शाम को चाय के साथ खाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी बाहुबली समोसे के बारे में सुना है, जिसका वजन 8 किलोग्राम के आसपास होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह अनोखा समोसा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित कुर्ती बाजार में बनाया जाता है, जहां कौशल स्वीट्स नामक हलवाई की दुकान मौजूद है। इस दुकान में 8 किलोग्राम का भारी भरकम बाहुबली समोसा बनाया जाता है, जिसे बनाने में लगभग 1,100 रुपए का खर्च आता है। दुकान के मालिक ने शर्त रखी है कि अगर कोई व्यक्ति 30 मिनट के अंदर बाहुबली समोसा खा लेता है तो उसे 51,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बाहुबली समोसा चैलेंज के बारे में जानने के बाद कौशल स्वीट्स पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिन्होंने 30 मिनट के अंदर समोसा खत्म करने की खूब कोशिश की। अब तक करीब 100 लोग बाहुबली समोसा चैलेंज ले चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति इस चैलेंज को जीतकर 51,000 रुपए जीतने में कामयाब नहीं हो पाया है। हालांकि इस चैलेंज की वजह से कौशल स्वीट्स लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर हो गई है, जहां फूड ब्लॉगर से लेकर आम लोग समोसे का स्वाद चखने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी समोसे खाने के शौकीन हैं और नगद इनाम कमाना चाहते हैं, तो जल्दी से बाहुबली चैलेंज ले लीजिए। फैक्ट नंबर 4, इस धरती पर लगभग 70% से ज्यादा हिस्से में समुद्र मौजूद है, जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज छिपे हुए हैं। अब तक वैज्ञानिक समुद्र में रहने वाले जीवों में से महज 5% जीवों के बारे में पता लगा पाए हैं, जिसकी वजह से हर साल हमें कुछ नए जीव या जलीय पौधे देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ साल 2018 में, जब स्कूबा डाइवर्स की एक टीम समुद्र की गहराइयों में गोते लगा रही थी। इस दौरान स्कूबा डाइवर्स की नज़र एक खास तरह के कांटेदार पौधे पर पड़ी, जो समुद्र की तलहटी पर मौजूद था। ऐसे में जैसे ही स्कूबा डाइवर्स ने उस पौधे को छूने की कोशिश की, वह तुरंत एक झटके के साथ तलहटी पर जमा रेत के अंदर घुस गया और रेत के अंदर ट्रैवल करते हुए अचानक आंखों के सामने से गायब हो गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। स्कूबा डाइवर्स ने उस पौधे की एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पौधे को हाथ लगाते ही वह 1 सेकंड के अंदर रेत के अंदर छिप गया था। इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वह इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे कि यह असल में कोई पौधा है या फिर रहस्यमय जीव। इसलिए आज तक यह एक गुत्थी बना हुआ है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। फैक्ट नंबर 5, यूं तो दुनिया भर के सभी देश समुद्र में गंदगी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जहां करोड़ों टन प्लास्टिक कूड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र को गंदा करने में चीन सबसे आगे है, जो प्लास्टिक कूड़े, फैक्ट्रियों की गंदगी के अलावा ह्यूमन वेस्ट को भी बड़े पैमाने पर समुद्र में फेंक रहा है। इसकी वजह से चीन के आसपास का समुद्र बुरी तरह से गंदा हो चुका है।
जबकि उस इलाके में रहने वाले समुद्री जीव तेजी से मर रहे हैं। चीन पिछले 9 सालों से इंसानी वेस्ट को समुद्र में फेंक कर अपने देश को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी इस मुहिम की वजह से समुद्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वर्तमान चीन द्वारा समुद्र में फैलाई गई गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे स्पेस से भी आसानी से देखा जा सकता है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को कई देशों की फटकार सुननी पड़ती है। हालांकि इसके बावजूद भी ड्रैगन अपनी गलती सुधारने के बजाय उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी और वहां रहने वाले जीव जहरीले हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग पढ़ाई तो कुछ नौकरी के चक्कर में घर परिवार से दूर दूसरे शहर में रहने लगते हैं। ऐसे में दूसरे शहर में रहने वाले लोगों को अक्सर अकेलापन सताने लगता है। खास तौर से सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों ने एक दूसरे से मिलना और बातचीत करना बिल्कुल कम कर दिया है। इसकी वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिससे बचने के लिए दोस्त या किसी करीबी का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अमेरिका में स्थित एक कंपनी ने कडल अप टू मी नामक सर्विस को शुरू किया है, जिसके तहत कंपनी कुछ लोगों को नौकरी पर रखती है। यह नौकरी करने वाले लोग शहर में अकेलापन या डिप्रेशन महसूस कर रहे लोगों से मुलाकात करते हैं और उन्हें गले लगाकर अच्छी फीलिंग देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान का अवसाद यानी कि डिप्रेशन कम होने लगता है। आपको बता दें कि कंपनी इस काम को करने वाले लोगों को हर घंटे का 6,000 से 8,000 रुपए चार्ज करती है, जिसके लिए उन्हें एक घंटे तक कस्टमर को गले लगाकर उसे अच्छा महसूस करवाना होता है। आपको बता दें कि किसी को गले लगाने की स्थिति में इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो उसे मुश्किल समय में अच्छा महसूस करवाते हैं और उसके डिप्रेशन को कम करने का काम करते हैं। इसलिए अगर आप भी कभी दुखी या तनाव महसूस करें तो अपने किसी दोस्त या माता पिता को हग जरूर करें। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर मुर्गी सफेद रंग का अंडा देती है, जिसके अंदर पीले रंग का योक मौजूद होता है। लेकिन क्या आपने कभी हरे रंग की जर्दी वाला अंडा देखा है, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही मिलता है। दरअसल केरल में स्थित मलप्पुरम गांव में मुर्गियां हरे रंग की जर्दी वाला अंडा देती हैं, जो देखने में बहुत ही विचित्र लगता है। वैज्ञानिकों की माने तो अंडे का अंदरूनी भाग हरा होने के पीछे मुर्गी द्वारा खाया जाने वाला भोजन हो सकता है, जिसमें कैरोटीनॉइड्स नामक एलिमेंट की मात्रा अधिक होती है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात का सटीक जवाब नहीं खोज पाए हैं कि केरल की मुर्गियां हरे रंग का अंडा क्यों देती हैं और उसका सेवन करने से सेहत को नुकसान पहुंचता है या नहीं। लेकिन केरल के लोग इस हरे रंग की जर्दी वाले अंडे को खूब चाव के साथ खाना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 8, पुराने जमाने में एक ही राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, जिनके लिए अलग से महल बनाए जाते थे। हालांकि बीतते वक्त के साथ राजा महाराजा का दौर खत्म हो गया और आज एक आदमी एक ही औरत से शादी कर सकता है, जबकि अगर उस व्यक्ति को दूसरी शादी करनी है तो उसे अपनी पहली पत्नी को तलाक देना होता है। लेकिन थाईलैंड के राजा के जीवन में इस तरह के नियम कानून लागू नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वह अपनी मनपसंद लड़की के साथ कभी भी रह सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम यहाँ थाईलैंड के राजा किंग महावजीरा लोंगकोर्न की बात कर रहे हैं, जिन्होंने साल 2016 में राजा की गद्दी संभाली थी। इनकी कुल संपत्ति लगभग 19 खरब के आसपास है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बहुत ही लग्जरी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 68 वर्षीय यह राजा स्वभाव से बहुत ज्यादा अय्याश है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने महल में एक खास हरम बनवाया है। इस हरम में राजा की 20 प्रेमिकाएं रहती हैं, जिनके साथ राजा हर रोज अपनी रात बिताता है। इतना ही नहीं, राजा के इस शौक के बारे में उनकी पत्नी को भी सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें अपने पति की इन हरकतों से कोई आपत्ति नहीं है। वह राजा के साथ सिर्फ आधिकारिक समारोह और आयोजन में ही नजर आती हैं, जबकि बाकी का वक्त अपने महल के आलीशान कमरे में ही व्यतीत करती हैं। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड का राजा अपने देश में रहते हुए प्रेमिकाओं के साथ रोमांस करता है, जिसकी वजह से उसकी कई बार आलोचना भी की जा चुकी है। हालांकि थाईलैंड में कोई भी व्यक्ति खुले तौर पर राजा के खिलाफ नहीं बोल सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे तुरंत मौत की सजा सुना दी जाती है। फैक्ट नंबर 9, गर्मी का मौसम आते ही दुनिया भर में आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है, जो अलग अलग ब्रांड्स और फ्लेवर्स में उपलब्ध होती है। लेकिन आइसक्रीम को फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद ही खाना होता है, वरना वह गर्म तापमान के संपर्क में आते ही पिघलने लगती है। हालांकि चीन में इन दिनों एक ऐसी आइसक्रीम सुर्खियां बटोर रही है, जिसके ऊपर गर्म तापमान का कोई असर नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चीन के वैज्ञानिकों ने एक अजीबोगरीब आइसक्रीम का आविष्कार किया है, जिसे चीज क्रीम के नाम से जाना जाता है, जो गर्म तापमान में भी पिघलती नहीं है। सोशल मीडिया पर इस आइसक्रीम का प्रचार करने के लिए एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें ये देखा जा सकता है कि आइसक्रीम पर लाइटर लगाने के बावजूद भी वह पिघल नहीं रही है। इतना ही नहीं, अगर इस आइसक्रीम को 31 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान में एक घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो भी वह ना तो पिघलती है और न ही उसके आकार व टेस्ट में किसी प्रकार का बदलाव आता है। चीन में चीज क्रीम आइसक्रीम इतना ज्यादा फेमस हो रही है कि इसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आमतौर पर एक आइसक्रीम की कीमत 100 से 150 रुपए के बीच होती है, लेकिन चीज क्रीम के एक पीस की कीमत लगभग 800 रुपए रखी गई है। इतना ही नहीं, चीन के लोग इस महंगी आइसक्रीम को बहुत ही चाव के साथ खा रहे हैं।
हैं, जबकि आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी का कहना है कि उन्होंने चीज क्रीम को बनाने के लिए कैराजिनन नामक गम का इस्तेमाल किया है, जो एक समुद्री पौधे से बनाया जाता है और यह गम गर्म तापमान में भी अपने आकार को बनाए रखता है। फैक्ट नंबर 10, आपने ये तो सुना ही होगा कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार चाहे कितना ही अंधा क्यों ना हो, उसे जीवित और निर्जीव वस्तु के बीच अंतर करना आता है। हालांकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो प्यार के नाम पर सारी हदें पार कर जाते हैं और किसी भी चीज से शादी कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ किया इंडोनेशिया में रहने वाले एक शख्स ने, जिसे किसी और चीज से नहीं बल्कि अपने कुकर से ही प्यार हो गया था। इस शख्स का नाम खुईरुल अनाम है, जिसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में खुईरुल की दुल्हन कोई लड़की नहीं बल्कि चावल पकाने वाला एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर था। इस शख्स ने प्रेशर कुकर को दुल्हन का सफेद जोड़ा पहनाया हुआ था और उससे शादी करने की वजह बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी दुल्हन सुंदर है, मेरी बात मानती है और कुछ बोलती भी नहीं है, जबकि खाना बनाने में काफी अच्छी है। खुईरुल ने प्रेशर कुकर से शादी कर आधिकारिक रूप से पेपर्स पर साइन भी किए थे, जिसके बाद वह दोनों पति पत्नी बन गए। हालांकि शादी के महज 4 दिन बाद ही खुईरुल की तलाक की खबरें सामने आई थी, जिसका खुलासा खुद खुईरुल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए किया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।